ये देखिए नहर में लोग कितने नहा रहे हैं, तो दिखाओ। तो गाइस ये वही जगह है, लोग देखो कैसे नहा रहे, कैसा मजे ले रहे नहर का। लेकिन हम ये नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे हम, इस यहाँ ये नहर जहाँ से आ रहा है हम। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अचानक ही प्लान बना है नहाने का, जो हमारी रियांशी कह रही है। रियांशी कहाँ जाना है? ये तो आज पता नहीं क्या इसका मूड ऑफ है, पता नहीं क्या चक्कर। नमो तैयार हो चुका है। नमो कहाँ जाना है? नहाने के। आज नमो जाएगा नदी में नहाने के लिए और अपने बड़े भाई के साथ, काबिया के साथ। और रियान से तैयार, रियान से पाल्टे ये। और अब आज नहाने के लिए जो जा रहे हैं वो जा रहा है हमारा नमो, प्यारा नमो, और काबिया, और रियांशी, हमारी प्यारी रियांशी, और रियांशी की मम्मी जो कि वीडियो में आना नहीं चाहती क्योंकि बोलती मेरी शक्ल बड़ी गंदी है, तो बहुत ही शर्माती है वीडियो में आने से। तो कोई बात नहीं, आने वाले को कोई बात नहीं। और मैं तो खुद ही चाह रहा, थोड़ा 1000 सब्सक्राइबर हो तो मैं खुद ही आ जाऊँ, वैसे अपनी शक्ल अच्छी नहीं है। तो गाइस मैंने लगा दी चाबी। तो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और सब बैठ चुके, गाड़ी हो चुकी स्टार्ट, और जय माता दी, और चलो नहाने के लिए नदी में। चलो भैया, और देखो ट्रैफिक ऐसे रोड में भी कसम से गजब है। ओहो, स्कूल बस है? नहीं यार, स्कूल बस की तरह बिल्कुल पीली बनी है यार। तेरा ना कैमरे में हाथ हिलता है ज़्यादा, नशा वगैरह तो नहीं करता? तो मेरे आगे क्या लगा रहा है यार। तो गाइस ये तो था एक मजाक, क्योंकि इसकी उम्र है 14 साल की, 15 साल का हो गया तुम, लेकिन साला अभी भी बेवकूफ है, अकल नहीं आई। तो गाइस इसकी उम्र है 15 साल में तो बेचारा अभी कहाँ से भांग दो, थोड़ा तो दूर की बात है, टोफी भी नहीं खाता। हम जा रहे हैं कटा पत्थर नहाने। कटा पत्थर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नहाने धोने के लिए, और बहुत मतलब अच्छा पॉइंट है नहाने का, घूमने फिरने का। और जैसा आजकल आज गर्मी कितनी, टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है। गाइस हम आ गए हाईवे नेशनल रोड, ये आपका विकास नगर, देहरादून विकास नगर से चक्रोता रोड है, चक्रोता त्यूनी, और यहाँ से आप हनोल भी जा सकते हो। हनोल तो नाम सुना होगा इस आप लोगों ने। ये हाईवे नेशनल रोड छोटा पैसा है लेकिन बहुत अच्छे अच्छी जगह जाता है। तो यहाँ से हम दोबारा राइट टर्न लेंगे कटा पत्थर की तरफ। ये बाईपास रोड है, वैसे कटा पत्थर का मेन रोड हमारे घर के आगे से जाता है, जो हमारे घर के आगे से जाता है कटा पत्थर के टाइम में। गाइस फिर दोबारा हम आ गए वहीं रियांशी वाले स्कूल में, एक स्कूल वाले रोड है मतलब। ये देखिए नहर में लोग कितने नहा रहे हैं, इधर तो दिखाओ। तो गाइस ये वही जगह है, लोग देखो यार कैसा नहा रहे, कैसा मजे ले रहे हैं नहर का। लेकिन हम ये नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे हम, इस जहाँ ये नहर जहाँ से आ रहा है हम। और चल चल आजा वीडियो में, आजा सब्सक्राइब कर दियो कुणाल रावत ब्लॉग। ये देखिए यहाँ कैसा नहा रहे वगैरह वीडियो में आ रहा। तो गाइस ये देखिए सारे नहा धोकर आ रहे कटा पत्थर से। ये देखिए ये सारी लड़कियाँ, लड़के, परिवार, फैमिली सब लोग जाते हैं। ये गोल्डार है, यहाँ से लोग अंदर से निकलते हैं। ये निकलते कहाँ से दिखाएंगे, ये तो एक्चुअल पॉइंट है, यहाँ से लोग निकलते हैं, घुसते कहाँ से वो दिखाएंगे। तो गाइस ये वही रोड है रियांशी के स्कूल वाला, बार बार बता रहा हूँ मैं, कहीं आपको लगेगा कि यार। ये देखिए यहाँ से घुसते हैं, यहाँ से लोग घुसते हैं, देखिए यहाँ से घुसते हैं और वहाँ से निकलते हैं, और अंदर है बहुत अंधेरा, कभी घुस के निकल के दिखाएंगे।
गाइज़ आपको कैसा लगता है ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आती होगी मेरी, और वॉचिंग टाइम निकाल दो प्लीज़ यार, आप लोग का ही सारा है। वीडियो को पूरा वॉच करना, स्किप मत करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो से एंटरटेन करूँगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगा आप लोगों के लिए। गाइस ये आ चुके हैं हम रियांशी के स्कूल, और दिखाओ जरा रियांशी का स्कूल, ये वहीं है जहाँ हम रियांशी को लेने आए थे। ये देखिए गाइस ये रियांशी का स्कूल है और यहाँ हम रियांशी को लेने आए थे, आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा हमारा। ओह माय गॉड ब्रेकर काफ़ी बड़े बड़े हैं यार। ये देखिए गाइस इधर पे कितना नहाने का बना रखा, कितना बेहतरीन, और देखो यहाँ लड़कियों कैसे नहा रहे। देखिए गाइस रखता हूँ यार मैं तुझे ख्वाब बना के, हर किस्से पे हर पन्ने पे तुझको पढ़ता है, फिरता रहता है पागल सा बस ये कहता है कि तुझे तो गाइस हम जा रहे हैं कटापत्थर की तरफ, और देखिए ये जो रियांशी का स्कूल हमने लास्ट पॉइंट आपको दिखाया था ये उससे आगे जाने का रास्ता है, और रोड तो काफ़ी बेहतरीन काफ़ी अच्छा बन चुका है। उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा रोड होगा बोल के, क्योंकि पहले बहुत रोड की कंडीशन ख़राब थी, लेकिन इस तरह मतलब ऐसे कैसे बन गया पता नहीं चला, लेकिन बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन बन गया है। लेकिन तारीफ थोड़ी सी ज़्यादा कर दी तो रोड टूटे फूटे आ गए, और दुकान पर काफ़ी हो गए, घर पर काफ़ी हो गए। देखो नहाने के बन, देखो बच्चे कैसे नहा रहे हैं, हाय बाय तो कर लो भाई लोगों। ये देखो गाइस मज़े ले रहे बच्चे, और रोड काफ़ी टूटा फूटा रोड आ चुका है, और बहुत ही ख़तरनाक रोड है, क्योंकि इधर ये खाला जो क्रॉसिंग हो रहा है रोड के ऊपर से, ये रोड को बार बार तोड़ देता है, और रोड की ऐसी की तैसी हो गई बाबा। और ये देखो, देखिए गाइस काफ़ी ही मतलब रोड की ऐसी की तैसी हो चुकी है यहाँ पर, और बड़ी मुश्किल से खड्डा हमने पार करा, और ऐसा लग रहा था जैसा रोड पर खड्डे नहीं खड्डे पर रोड बनाए हैं, और इस जगह में रहता है यार है ना पानी जमा होता है ना, और तारकुल वाले रोड में तो पानी कहाँ टिकता है यार, पानी की तो पानी तो रोड की ऐसी की तैसी कर देता है। तो फिर आ गया दोबारा टूटा फूटा रोड, बीच बीच में ऐसा रोड मिलता रहेगा। हम आ चुके हैं नरू खाला, इसे बोलते हैं नरू खाला, यहाँ से बहुत बड़ा बहुत तगड़ा पानी आता है। देखो नहाने के लिए वो भाई नीचे देखना नदी में कितना भीड़, गाड़ी कूड़ी देना वहाँ, ओ माय गॉड। और देखिए नरू खाला में आ गए, ये पूरा जो रोड दिख रहा है इसमें बरसात के टाइम में इतना बड़ा नदी खाला आता है, गाड़ी तो इंसान तो दूर की बात है, गाड़ी भी क्रॉस करते हुए उनकी हालत ख़राब हो जाती है, गाड़ी नहीं चलती मतलब, फिर नरू पुल से लेना पड़ता है गाड़ी यहाँ से क्रॉस, बरसात में बहुत नामुमकिन है। यहाँ के लोग फिर रूट चेंज कर देते हैं और 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम कर आते हैं, 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम कर आते हैं। तो गाइस ये एक कटापत्थर का मतलब निचला हिस्सा, क्योंकि गाइस जो कटापत्थर है वो है रोड से ऊपर नरू पुल से जाना पड़ता है, हम नरू खाला से आए नीचे की तरफ से, हम बाईपास आए हैं। तो गाइस हम पहुंच गए कटापत्थर के नीचे जड़ में, और कटापत्थर है ऊपर वो है मार्केट, 10-12-15-20 दुकान का होगा। तो गाइस हम पहुंच गए हैं कटापत्थर के नीचे जड़ में, और देखिए गाइस नीचे की तरफ दिखा जा रहा कितने लोग यहाँ टूरिस्ट और घूमने फिरने नहाने धोने आते हैं। ओ बाप रे देखिए वहाँ, देखिए बाप रे, ओए होए ओए होए बाप, उधर इधर ही नहाना है रियांशी, ये वो आगे, हाँ सोनम आगे 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 आगे, यहाँ बाद में आएंगे। तो गाइस हम पहुँच गए कटापत्थर के नीचे जड़ में, जड़ का मतलब बिल्कुल मतलब नीचे कटापत्थर, ऊपर मार्केट, जो अंदर तो ले जाने नहीं देंगे शायद स्कूटी वगैरह, और हाँ कोई बात नहीं स्कूटी बाहर रोक लेंगे, बगीचे में तो मुश्किल लग रहा है मुझे। और ये है कटापत्थर का निचला हिस्सा, और गाइस देखिए काफ़ी घर हो चुके हैं, एक टाइम पे इतने घर नहीं हुआ करते थे, पार्किंग वगैरह बना रखा गया इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा बना दिया। तो
तो गाइस हम पहुंच गए कटापत्थर जहाँ हमें उतरना था, लेकिन यहाँ देखो कितने ट्रैफिक, कितने लोग आए, अपनी भी स्कूटी हमने यहाँ लगा दी और इतने गाड़ी है और हमें उतरना पड़ रहा है कच्चे रास्ते से और यहाँ से हम थोड़ा उतरेंगे मेरा भाई। तो गाइस हम आए देखो पार से और वहाँ से क्रॉस करके नहर पार करके हम आए इधर। ये देखिए गाइस कितना भीड़ हो, कितनी हो, कितनी पब्लिक यहाँ पे आती है उगड़ने के लिए। और गाइस देखिए, और यहाँ देखिए रियान सी चल रही है पैदल और नमो आ रखा है माँ के गोद में अपने। और यहाँ इन्होंने कहा कि एक जामुन का पेड़ है और जामुन खा के चलते हैं, लेकिन जामुन खा के तो चलते हैं लेकिन ऊपर जाएगा कौन तोड़ने, देखो पेड़ कितना बड़ा है और कौन चढ़ेगा भाई। और जामुन लगे बड़े काले काले भैया, ओए रियान सी जामुन देख कितने काले काले लगे भाई, देखो पेड़ में जामुन कितने काले काले लगे, लेकिन जामुन नहीं दिख रहे यार। ये रहा, अच्छा ये देखिए गाइस, गाइस देखिए जामुन, वाह कितना बड़ा है। और गाइस देखिए जामुन देख रहे हो आप, कितना बड़ा दाना है काला जामुन। और गाइस देखिए कितना खूबसूरत है, मामा हटो तो। और गाइस देख रहे हो मामा हट जाइए रास्ते से, हम जामुन। तो गाइस जामुन देखो रोड में कितने हुए, और यहाँ मेरे भांजे ने मारा डंडा, वापिस आके इसके दिमाग में लगेगा फंडा। गाइस देखिए जामुन तोड़ने की ट्राई, एक दाना भी नहीं झाड़ा, इतने इतना बड़ा गुच्छा लगा हुआ माँ से, इस बड़े गुच्छे में मेरे भांजे का जो निशान है ना, ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात है, एक भी दाना नहीं झड़ा। रियांसी कह रही मेरे को जामुन खाना है, रियांसी की मम्मी कह रही जामुन खाना है, लेकिन ये गधेड़ा तो तोड़ नहीं पाएगा, लगता है मेरी को तोड़ना पड़ेगा। तो गाइस दोबारा नेक्स्ट ट्राई, और दोबारा मारा इसने, एक दाना आया है वो भी कच्चा सा। और गाइस देखिए आज दिखा जा रहा दाने कितने बड़े, दो दाने तोड़े गाइस, ओ माय गॉड, वो भी काले नहीं लाल तोड़े भाई। और पहले अपने मुंह में ठूसेगा, ये तो नहीं कि पहले अपने छोटे भाई बहन को दे दो, और यही दाने से वापस मार दिया। अबे कैसा आदमी है क्या बताऊं मैं। तो गाइस इतना बड़ा गुच्छा लगा यहाँ पे, लग रहा बहुत नज़दीक है लेकिन नहीं, बहुत दूर है, तो ट्राई मेरे को करना पड़ेगा गाइस, मेरे को थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ेगा। तो गाइस हम आ चुके हैं जहाँ हमें नहाने जाना है, जहाँ रियांसी ने नहाने जाना है। तो गाइस देखिए भीड़ कितनी है, पब्लिक देखो नहाने के लिए, लोग कहाँ कहाँ से किधर किधर लोग नहाने धोने आ रहे हैं, और हमें जाना है सामने पार। तो गाइस इतना लंबा वीडियो हो चुका है वैसे भी, और जाते हुए का भी वीडियो शायद बनाना ना पड़ जाए, तो गाइस थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ेगा। तो गाइस देखिए ये है पानी निकालने का एक स्रोत, रास्ता क्या बोलते हैं, देखिए गाइस क्या खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए वहाँ पानी, नहर में पानी चल रहा है और ये इसको घुमा रहा है, इसमें गोल गोल पाइप लगा रखे और उससे पानी ऊपर आ रहा है, पानी इधर आने के बाद इधर से क्रॉसिंग होकर ये जा रहा है इधर बगीचों की तरफ। तो गाइस ये भी एक टेक्निक है, तरकीब है, सोच है आदमी की। और तो गाइस जाते हैं थोड़ा और आगे जहाँ पे लोग नहाने धोने आ रखे हैं, और गाइस देखिए सीन क्या ख़तरनाक है, तो आगे जाके और चीज़ दिखाते रहेंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं बिल्कुल नहाने वाले पॉइंट में, जहाँ हम नहाने के लिए आए हैं। रियांसी इतनी एक्साइटेड है कि जल्दी जाओ और जल्दी पानी में गोता मार दो, रियांसी ने लगा रखी दौड़, इसका जो भाई है बड़ा भाई उसने भी खिंचा तानी करके जल्दी चलो जल्दी चलो, गर्मी लगी है बोलकर। और देखिए गाइस सामने एक होटल भी है, यार पहले ये कुछ भी नहीं था और सब कुछ मतलब इतना चेंज हो चुका है इतने कम टाइम में। तो गाइस देखिए यहाँ एक होटल बन चुका है, गाइस देखिए यहाँ इतना गहरा पानी नहीं, कोई भी ना सकता छोटा बड़ा, लेकिन ये घुस कहाँ से रहे और आ कहाँ से रहे पता नहीं चल रहा, क्या भीड़ है भाई गजब। आराम से काफ़ी है देख कर, गाइस देखिए हमारे कहते हैं यहाँ नहाने, और देखिए नीचे नदी और इधर नहर है, नदी से पानी कट कर इधर तरह है, भीड़ देखिए गाइस क्या भरा है भाई। वो देखिए गाइस तो देखिए पूरी मस्ती चल रही है, और नमो पहुँच चुका है नहाने वाले पॉइंट में। नमो, अरे नमो को तो नींद आ रही है भाई, आने आने में इसको एक घंटे लग चुके हैं। रियांसी, रियांसी कैसा लग रहा है फिर, हाय गाइस तो बोल दे कैसा उसकी भाई। तो रियांसी को जल्दी जल्दी पानी में डालो, रियांसी चले, रियांसी चले, रियांसी रियांसी इधर तो देखो। तो गाइस काफी हो चुका तैयार रियांसी के साथ, और नमो जाएगा बाद में, और देखिए गाइस रियांसी नहाने के लिए इतने बेताब हो रही ना गर्मी के कारण, और गर्मी इतनी बढ़ रही है जैसे कि गाइस आप देख रहे हो क्या माहौल हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस देखिए पूरा मतलब पूरा नहर भर चुका है, और काबिया सोच रहा है
कहाँ भैया उधर पहले, तू उधर पहले मार, गोता मार, डूबेगा तो नहीं ना। चल रियांशी बोले, रियांशी 1 2 3 कपड़ा नहीं खोलना, कपड़ा नहीं खोलना, जाओ 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 1 2 3 अरे गोता मार लो भाई, रामो रियांशी इधर देखो, रियांशी हाय गाइस बोलो, तो जल्दी जाओ भाई। गाइस मेरा इतना पानी इतना गहरा नहीं है, काफ़ी मेरे को यकीन है, बेबू मत जाना भाई। तो गाइस देखिए, और पब्लिक देख रहे हो गाइस क्या खसा खस भरी है। गाइस देखिए देखिए, बाप रे इतने लोग यहाँ। तो गाइस ये देखिए, ये देखिए गाइस काफ़ी हो चुका तैयार, पानी में जाना वहाँ पे नहाने का है रे बाबा, यहाँ के डर नहीं रही ऐसी करती हो, एक दो बार नहाएगी ना खुल जाएगी हो। रियान सिंह को लगा डर, जा 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 बाबू तू भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं, शाम को सब्सक्राइब करियो और पूरी वीडियो देखियो। अरे जाना, अरे नहीं डर रही हो ऐसी करती है, जा जाना वो ऐसी करेगी, अरे जा मेरे भाई। तो गाइस रियान सिंह वापस आ गया, काफी अभी वापस आ गया, अरे यार तुम लोग कर क्या रहे गाइस। और रियान सिंह, रियान सिंह यहाँ देखो, नहीं ना डर लग रहा है आपको, रियान सिंह को लगा डर, ये आ गई वापस। और काबिया बेचा, काबिया तू गोता मार, चल 1 2 3 अरे मार रहा, ये पे गंजे के ऊपर कूद जाना, क्या हो जाना। तो गाइस देखिए, अगर आप नहाना चाहते हो तो कटा पत्थर आइए और पूरा नहाने का पूरा मजा लीजिए। देखिए गाइस पूरी गर्मी का मजा तो भाई इन लोगों ने ही ले रखा। और देखिए गाइस काबिया जाना यार जल्दी, टाइम नहीं मेरे में, चल जाऊँगा फिर। तो गाइस यहाँ पे हो चुका है चौपट प्लान, और अब यहाँ वीडियो नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पे कोई भी नहीं नहा रहा है क्योंकि रियान से डर रही है और काबिया की हिम्मत नहीं हो रही अकेले नहाने की, और हमारी हिम्मत नहीं हो रही नमों को देने की। और गाइस हम जाएंगे अब नीचे नदी की तरफ, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है उधर जाएंगे हम नहाने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा लेडीज माहौल ज़्यादा है और थोड़ा सही भी नहीं लगेगा, अगर मान लो किसी को लगेगा कि गलत वीडियो बन रहा है या कुछ भी तो बहुत ऑब्जेक्शन उठ सकते हैं। तो गाइस हम यहाँ से चलते हैं, और हमने यहाँ से अपना सामान पैक कर दिया दोबारा, और रियान से ने कहा कि चलते हैं। रियान से चले वापस, चले वापस चले, ये क्या है फेंक दो फेंक दो, चलो। तो गाइस हम यहाँ से हो रहा है बैक, और हम जाएंगे सीधा नदी में, और नदी में नहाएंगे हम, रियान से पकड़ के ले जाना, और ठीक है। तो गाइस, तो गाइस ये है नदी, और नदी में काफ़ी बेहतरीन, ये देखिए गाइस काफ़ी बड़ी नदी है। वैसे यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ गहरा होने के कारण कोई भी नहीं आता, और यहाँ थोड़ा पानी घूमता। और ये देखिए गाइस यहाँ टूरिस्ट लोग आके अपना लंच वगैरह सब यहीं करते पेड़ों के छाँव में। तो गाइस देखिए क्या सीन और क्या मज़ा आ रहा है गाइस, कसम से वीडियो बनाने का मज़ा आ गया आज, काफ़ी दिन बाद एक अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा था और बन भी रहा। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में, और इतने दूर ट्रैवल करके आए। और गाइस देखिए लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। रियांशी का मूड खराब हो रहा आज। तो गाइस देखिए तो गाइस यहाँ आने का जो हमारा फैसला था वो था हमारा गलत, इतना भीड़ इतना माहौल ख़राब, उसके बाद फिर नदी में नहाने का प्लान था तो वहाँ से भी हमें उन लोगों ने मना कर दिया, और वहाँ पे मतलब मना है। तो हम जा रहे हैं बैग, जहाँ शुरू में आपको दिखाया था वहाँ भी जाते हैं, और उधर की तरफ से नहाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ से आ गए हैं हम नदी की तरफ, नदी में करेंगे नहाना धोना। और गाइस यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, पे बड़ा ही खतरनाक है किसी। बिल्ली कितनी हो गई नहाने धोने वाली जगह। तो गाइस रियांशी और काबिया उतर चुके पानी में,
चलो भाई पानी में गोता मार लो, अब क्या पढ़ना से मुहूर्त निकालू। बस देखिए काफी भीड़ है यार, कितने लोग नहाने धोने आ रहे, काफी बड़ी नदी लेकिन इतनी गहरी नहीं, इतना गहरी इतनी गहरी आ रही है सामने। तो गाइस नमो देखो कैसा नहा रहा पानी में, और ये देखिए लोग कितना मजा ले रहे, कितना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो गाइस मेरे को लगता है वीडियो यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक हो चुकी है ज़्यादा, तो लोग ले रहे हैं मज़ा और मेरे को नहाने का जी लग रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ को वीडियो पसंद आएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा गेमिंग चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।